बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर पेज 2020-21 आई एम रीडिंग द लेसन पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिटन बाय लियाकत खान एट पेज नंबर 48 एट द पॉइंट या फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई हैड लिव्ड। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर अवेयर तारीख के शागिर्द वाकिफकार हैं दैट ड्यूरिंग द लास्ट टू आर थ्री सेंचुरीज के गुज़िश्ता दो या तीन सदियों के दौरान ऑफ फॉरेन डोमिनेशन जिन दौरान बैरूनी हुक्मरानी रही है या बालादस्ती रही है आवर पीपल हैव नॉट कीप्ड पेस विद द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हमारी कौम या हमारे लोगों ने तहजीब की तरक्की के साथ आगे नहीं बढ़े हैव नॉट कीप्ड पेस पेस मीन्स स्टेप उन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाया है विथ द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन तहजीब के आगे बढ़ने से मीन्स वो पीछे रह गए हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज ये इन्हीं सदियों के दौरान था दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मगरबी तहजीब ऑफ विच यू आर द प्राउड टॉर्च बियरर्स जिसकी आप बड़े फख्र से रोशनी फैलाने वाले हैं डिस्कवर्ड अ यूज़ फॉर साइंस आपके लोगों ने साइंस के इस्तेमाल को मालूम किया विच दो नॉट न्यू हालांकि ये साइंस नहीं थी वाज़ सो फास्ट इन टेम्पो मगर अभी की उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी एंड सो वास्ट इन इट्स मैग्नीट्यूड और उसकी मकदार भी बहुत ज़्यादा थी दैट इट गेव सिविलाइजेशन न्यू ओरिएंटेशन अल्टुगेदर कि उसने तहजीब को सरासर एक नई शुरुआत दे दी नया आगाज़ दे दिया नई शनाख्त दे दी। दिस इज़ द फेज़ ये वो दौर है ये वो टाइम पीरियड है दैट फॉर वेरियस रीज़न जो कि मुख्तलिफ असबाब की वजह से अवर पीपल मिस्ड हमारे लोगों ने गंवा दिया द रिज़ल्ट इज़ दैट नतीजा ये है कि टुडे वी फाइंड मल्टीट्यूड्स हम बड़ी मकदार या बड़े मजमे देखते हैं एमर्जिंग एज लार्ज फ्री नेशन जो ज़ाहिर होते हैं बड़े आज़ाद कौमों की शक्ल में इन एशिया एशिया में विथ देयर मटीरियल एंड मिनरल मेंटल रिसोर्स अटली अनडेवलप्ड जिनकी मादियाती और जहनी वसाइल बिल्कुल भी गैर तरक्की याफ्ता हैं एंड विथ देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और उनके ज़िंदगी का मयार या रहन सहन सो लो बहुत नीचे है That the world conscience should not be content कि दुनिया के ज़मीर को इस पर मुतमयन नहीं होना चाहिए to leave them stagnant कि उन्हें वहीं पर खड़ा छोड़ दें Our ancient steadfast faith हमारा कदीम साबित कदम अकीदा which is such a source of strength जो कि एक बड़ा वसीला है ताकत का to us हमारे लिए on the ideological front नज़रियाती महाज पे इन दीज मॉडर्न अनईजी टाइम्स इस जदीद और बेचैनी वाले दौर में मस्ट बी वेडेड उसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए वेडेड मीन्स यूटिलाइज्ड उसे ज़रूर काम में लाया जाए टू द पायनियरिंग वरियल्टी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस शुरुआती ताकत वरियल्टी मीन्स विगोर पावर इस शुरुआती पावर या ताकत को हासिल करने के लिए जो कि जदीद टेक्नोलॉजी की है या वो ताकत जो जदीद टेक्नोलॉजी की है उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए दिस इज़ द सिंथेसिस ये वो संगम है ये जोड़ है ये मिलाप है वी मस्ट अचीव जो हमें हासिल करना चाहिए एंड अचीव क्विकली और जल्दी हासिल करना चाहिए नॉट मेरी फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस न सिर्फ या महज तरक्की के लिए बट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ मगर खुद अमन के लिए फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ दुनिया के अमन के खातिर फॉर आई सिंसियरली बिलीव क्योंकि मैं बड़े खुलूस से यकीन रखता हूँ दैट वार एंड पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी जंग और अमन और तरक्की और शाहूकार होना और ऑल इनडिवाइजेबल टुडे ये सब एक दूसरे से आज अलहदा नहीं किए जा सकते एक दूसरे से सेपरेट या जुदा नहीं किए जा सकते द इननंबरेबल मिलियंस ऑफ एशिया लातादाद लोग लाखों लोग करोड़ों लोग एशिया के हियर्स जो वर्षा हैं
टू एंशंट कल्चर्स, पुराने या कदीम सकाफ़तों के एंड एंशंट सिविलाइजेशन और कदीम तहजीबों के हैव आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सेपरेशन, वो सदियों की दबाए जाने के बाद, सदियों के जुल्म सहने के बाद एंटर्ड अपॉन ए न्यू एंड डायनामिक फेज ऑफ नेशनलिज्म, दाखिल हुए हैं एक नए और ताकतवर कौम परस्ती के दौर में। मोस्ट ऑफ देम वर अकस्टम्ड, उनमें से बहुत से आदि हो चुके थे, आदि बन गए थे टू लुकिंग एट द वेस्ट, मगरिब की तरफ देखने के लिए, फ्राम द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल, एक रैयत या ग़ुलाम कौम की हैसियत से, एंड कुड सी लिटिल बियॉन्ड, और बहुत वो कम आगे देख सकते थे। द लेस अट्रैक्टिव साइड, जो कि एक कम पुरकशिश रुख था, आ वाट टू देम वाज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो उनके लिए था मगरबी तहजीब, मीन्स मगरबी तहजीब उनके लिए कम पुरकशिश था, मगर वो ज़्यादा आगे नहीं देख सकते थे क्योंकि उनकी सोच गुलामाना हो चुकी थी। दे आर न्यूअली वन फ्रीडम, उनकी नई हासिल शुदा आज़ादी, हैज़ हाउ एवर करेक्टेड देयर विजन, उनकी सोच को दुरुस्त कर चुकी है, उनकी सोच को बदल चुकी है। एंड दे आर बेटर एबल, अभी वो अच्छे तरीके से काबिल हैं टू सी बोथ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देयर ओन सराउंडिंग्स, देखने के लिए मगरबी दुनिया को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को। इन देयर ट्रू परस्पेक्टिव, उनके हकीकी पस मंज़र में। वाइल ऑन द अदर हैंड, वाइल ऑन द वन हैंड दे आर फिल्ड विथ एडमायरेशन, जबकि वो एक तरफ तारीफ करते हैं, भरे हुए तारीफ के साथ, एट द साइट ऑफ द प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, वो नज़ारा जिसमें तरक्की और आगे बढ़ी है तहजीब इन सच ग्रेट कंट्रीज, ऐसे अजीम मुल्कों में एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका, जैसे कि अमरीका का मुल्क, कि वो तारीफ करते हैं जिस रफ्तार से तहजीब और तरक्की आगे बढ़ी है ऐसे अजीम मुल्कों में जैसे कि अमरीका का मुल्क है, मुतहदा अमरीका की रियासतें हैं। दे आर मोर इम्पेशेंट देन एवर बिफोर, वो पहले से भी ज़्यादा भी बेसब्र हैं, विथ देयर ओन मिजरी एंड बैकवर्डनेस, अपनी तकलीफ और अपनी बदहाली को देख के, एंड आर कीनली सर्चिंग, और बड़े शौक से तलाश कर रहे हैं। द हॉरिज़न, वो उफक, फॉर देयर द साइन, सर्चिंग द साइन हॉरिज़न फॉर द साइंस ऑफ अ ब्राइट डे, वो उफक तलाश कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें कोई रोशन दिन की निशानी नज़र आ जाए या निशानियाँ नज़र आ जाएं। दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, वो बहुत गहराई से वाकिफ कार हैं उस बड़े फ़र्क से, बिटवीन देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि रहन सहन का तरीका है उनके अपना और मगरबी दुनिया का। दिस डिसइक्विलिब्रियम इन मैनी वेज मोस्ट डिसक्वाइटिंग, ये गैर बराबरी, गैर मुतवाजनियत, गैर एक जैसापन बिल्कुल बेचैन करने वाला है। एंड हैज़ इन इट द सीड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल अपहेवल्स, और इसी बेचैनी में न बताए जाने वाले झगड़ों के बीज बोए हुए हैं। फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन के खातिर, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, और दुनिया के तहजीब के खातिर, एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल, एशिया को ज़रूर मुस्तहकम किया जाए, बट इट कैन नॉट बी मेड स्टेबल, मगर उसे मुस्तहकम नहीं किया जा सकता अनलेस डिसकंटेंट इज रिमूव, जब तक इस बेचैनी को हटाया ना जाए। एंड द जर्म्स ऑफ डिसरप्शन, और इस बेचैनी के जरासीम आर किल्ड, उन्हें मारा जाए, बाय बेटर एंड क्लियर लिविंग, क्लीनर लिविंग, बेहतर और साफ सुथरी जिंदगी के साथ, ये रहन सहन के साथ, विच मीन्स नो मोर एंड नो लेस, जिसका मतलब न कम न ज्यादा, देन एनेबलिंग द पीपल ऑफ एशिया, के एशिया के लोगों को काबिल बनाना है टू एंजॉय द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, के लुत्फानंदोज हो मुकम्मल फायद से जो आज़ादी और जमहूरियत के होते हैं। इन दिस सिचुएशन, इन सूरत हाल में वी कंसीडर, हम समझते हैं द रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का किरदार, टू बी दैट ऑफ स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो तवाजुन करने वाले अंसर के तौर पे, इन अ बैकवर्ड एंड डिसकंटेंटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पस्त और बेचैन दुनिया के हिस्से में, वी होप
हम उम्मीद करते हैं टू बी एबल, काबिल बनने के लिए, टू प्ले दिस रोल, ये किरदार अदा करने के लिए सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ, बाय आवर स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, अपना मुकम्मल या मजबूत यकीन रखते हुए खुदा में, इन डेमोक्रेसी जमहूरियत में, एंड इन आवर ओन यूनिटी, और अपने इतिहाद में, बाय द रिसोर्सेज ऑफ आवर लैंड्स, अपने ज़मीन की वसाइल के साथ, एंड वाटर्स, अपने दरियाओं के साथ, एंड बाय आवर विल टू वर्क, और अपने काम करने की ख्वाहिश के साथ, ऑन दीज पॉइंट्स, इन नुक्तों पे पाकिस्तान स्टैंड्स फर्म, पाकिस्तान मजबूत खड़ा हुआ है। सिंधी में तारीख़ जा शागिर्द वाकिफकार आहिन, तो गुजरियल बिन या हिक या बिन या टिन सदियों दौरान, जिन दौरान बैरूनी बालादस्ती रही है, असांजे माण्हुनि कदम न वधाए सघिया आहिनि तहज़ीब जे तरक़ीअ सां। इहो इन्हनि ई सदियुनि दौरान हुयो जो मगरबी तहज़ीब, जंहिंजी तव्हां फ़ख्र सां रोशनी फैलाईंदड़ आहियो, उन्हनि दरियाफ़्त कयो साइंस जो इस्तेमालु, जेको हालांकि नओं न हुयो, पर एतिरो तेज़ हुयो पंहिंजी रफ़्तार में, ऐं एतिरो वसी हुयो पंहिंजी मक़दार में, जो उन तहज़ीब खे हिकु बिल्कुलु नई शुरूआत ॾिनी, नई शनाख्त ॾिनी। ही उहो दौर आहे जेको मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे असांजी क़ौम विञाए छॾियो। नतीजो इहो आहे त अॼु असां ॾिसूं था वॾा मजमा ज़ाहिर थींदे वॾियूं ऐं आज़ादु क़ौमूं एशिया में पंहिंजे मादियाती ऐं ज़हनी वसीलनि सां बिल्कुलु गे तरक़ी याफ़्ता, ऐं उन्हनि जो ज़िंदगी जो रहण करण बि बिल्कुलु घटि आहे, हेठी लेवल जो आहे, जो दुनिया जे ज़मीर खे इन ते मुतमइन न रहणु घुरिजे त उन्हनि खे इते ई छॾे ॾियनि। असांजो क़दीम साबित क़दम अक़ीदो, जेको अहिड़ो त ताक़तवर वसीलो आहे या अहिड़ो वसीलो आहे ताक़त जो, असांजे लाइ हिन नज़रियाती महाज़ ते, हिन जदीद ऐं बेचैन दौर में उनखे ज़रूरु इस्तेमाल में आंदो वञे, इन जदीद टेक्नोलॉजी जे शुरूआती ताक़त खे हासिलु करण जे लाइ। ही उहो संगम आहे जेको असांखे हासिलु करणु ज़रूरु हासिलु करणु घुरिजे, ऐं तेज़ी सां हासिलु करणु घुरिजे, न फ़क़त तरक़े जे ख़ातिर, पर ख़ुदि दुनिया जे अमन जे ख़ातिर। छाकाणि त मां यकीन रखां थो ख़ुलूस सां त जंगी अमन, तरक़ी, सुखियो सताबो रहणु हिक ॿिए खां अलॻि नथा करे सघजनि। अॼु लातादाद किरोड़े माण्हू एशिया जा जेके वारिस आहिनि क़दीम सकाफ़तनि, क़दीम तहज़ीबुनि जा, सदियुनि जे ज़ुल्म खां पोइ दाख़िल थिया आहिनि हिकु नए ऐं ताक़तवर क़ौमपरस्तीअ जे दौर में। उन मां अक्सर आदि थी विया हुया मगरिब ॾांहुं निहारण जे लाइ हिकु रैयत या ग़ुलाम क़ौम जी हैसियत सां, ऐं तमामु घटि अॻिते ॾिसी सघनि पिया जेका घटि पुरकशिश रुख हुयो मगरबी तहज़ीब जो। उन्हनि जी नई हासिलु शुदा आज़ादी बहरहाल दुरुस्त करे चुकी आहे उन जे नज़रिए खे, उन जी सोच खे, ऐं हाणे बहितर तरीक़े सां उहे क़ाबिल आहिनि ॾिसण जे लाइ ॿिन्ही मगरबी दुनिया खे ऐं पंहिंजे इर्द गिर्द जी दुनिया खे हक़ीक़ी पस मंज़र में या हक़ीक़ी शिकिलो सूरत में। जॾहिं त हिकु तरफ़ उहे भरपूर आहिनि तारीफ़ सां, इहे तारीफ़ भरपूर अंदाज़ सां तारीफ़ कनि था, जंहिं तरीक़े सां तरक़ी ऐं तहज़ीब अॻिते वधी आहे अहिड़ा नज़ीम मुल्कनि में जीअं अमरीका या मुतहद अमरीका जूं रियासतूं, उहे वधीक बेसब्र आहिनि पहिरियां खां बि पंहिंजे तकलीफ़ुनि ऐं पंहिंजे पस्ती खे ॾिसी, ऐं उहे तमामु बेचैनी सां तलाश करे रहिया आहिनि अहिड़ो उफ़क जिते उन्हनि खे पंहिंजे रोशन ॾींहं जूं निशानियूं नज़र अचनि। उहे बिल्कुलु गहराई सां वाक़िफ़कार आहिनि उन तमामु वॾे फ़र्क़ खां जेको उन्हनि जे रहण सहण या उन्हनि जे ज़िंदगी जे मयार ऐं मगरबी दुनिया जे ज़िंदगी जे मयार जे विच में मौजूदु आहे। हीअ गैर बराबरी केतिरनि ई लिहाज़ सां बेचैन कंदड़ आहे, ऐं उन में ॿिज समायल आहिनि न ॿुधाए वेंदड़ झगड़नि जा या लिकल झगड़नि जा। दुनिया जे अमन जे ख़ातिर, दुनिया जे तहज़ीब जे ख़ातिर एशिया खे ज़रूरु मुतवाज़न करिणो पवंदो, पर उहो मुतवाज़न नथो थी सघे
जेस ताई बेचैनी के हटायो वन आई बेचैनी जा जरासीम मारिया वन बेहतर साफ सुथरे रहन करण सा या जिंदगी जे रहन करण सा जो मतलब है न वधीक न घट उन मानुन के काबिल बनायणो आ एशिया जे मानुन के तो लुत्फानंदोज थन मुकम्मिल तौर आज़ादी जमहूरियत जे फायदन मां इन सूरत हाल में मां समझा तो पाकिस्तान जो किरदार उन मुतवाजन या तवाजुन पैदा कंदड़ फैक्टर तौर अंसर तौर एक पस्त आई बेचैन दुनिया जे हिस्से में असा उम्मीद रखूँ था काबिल होने के लिए यो किरदार कामयाबी से अदा करने के लिए पंजे खुदा में पंजो मजबूत अकीदो रखंदे जमहूरियत पंजे इतिहाद में पंजे जमीनों पंजे पानी के वसीलन सा पंजे कम करने की ख्वाहिश सा इन नुक्तन ते पाकिस्तान मजबूत बीठल है। डिफिकल्ट वर्ड्स फॉरेन डोमिनेशन फॉरेन पावर फॉरेन रूल टॉर्च बीयरर्स रोशनी फैलाने वाले एडवर्टाइजर्स पब्लिसिटी मेकर्स टेम्पो स्पीड रफ्तार ओरिएंटेशन न्यू ओरिएंटेशन मींस न्यू स्टार्ट न्यू आइडेंटिफिकेशन मैग्नीट्यूड मिकदार क्वांटिटी मल्टीट्यूड्स मींस बिग मॉब्स बिग ग्रुप्स बिग गैदरिंग्स एमर्जिंग अपीयरिंग अटली कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे वेडेड यूटिलाइज इस्तेमाल किए जाए स्टेग्नेंट स्टैंडिंग एट वन पॉइंट विरलिटी विगोर पावर पायनियरिंग शुरुआती इब्तदाई सेंथेसिस कनेक्शन कॉम्बिनेशन संगम मिलाप ऑपोजिट होगा एनालिसिस मींस डिवीजन इनडिवाइजिबली या इनडिवाइजिबल मींस इनसेपरेबल जिसे अलहदा नहीं किया जा सकता अकस्टमटेड हैबिचुअल आदि हो जाना डायनामिक फेज पावरफुल टाइम पीरियड वीएन पर्सपेक्टिव सोच नज़र ख्याल सराउंडिंग्स सबर्ब्स इर्द गिर्द का माहौल अक्यूटली शार्पली स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जिंदगी का रहन सहन मिजरी तकलीफ बैकवर्डनेस पस्ती डिसइक्विलिब्रियम अनबैलेंस्ड गैर मुतवाजन गैर बराबरी डिसक्वाइटिंग बेचैन करने वाला खामोश न रहने वाला अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसकी प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती विच कैन नॉट बी फोर टोल्ड विच कैन नॉट बी फोर कास्टेड जिनकी पहले पेशगोई नहीं की जा सकती छुपी हुई अपहैवल्स क्वेरल्स डिस्प्यूट्स डिसरप्शन बेचैनी डिसकंटेंट एनेबलिंग काबिल बनाना स्टेबलाइजिंग तवाजुन कायम करना इम्पेशेंट बेसबर डियर स्टूडेंट्स इफ देयर इज एनी पॉइंट यू हैव ट्रबल टू अंडरस्टैंड यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स।